हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो टाइप वन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जिनमें से पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर एन बाय डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन होता है। दूसरा फार्मूला ये होता है, अगर किसी भी कॉन्स्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो होता है। ये चीज़ दो चीज़ आपको याद हो करना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका बेसिक है, तो आज की क्लास में बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिनमें से पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू फोर एक्स क्यूब, सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पावर फाइव। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन एक्स पावर फाइव बाय डी एक्स, तो सेम फार्मूला एक्स और पावर एन, एन की जगह आपका वैल्यू है फाइव, तो फार्मूला होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। तो एन का वैल्यू आपका है फाइव एक्स पर पावर एन माइनस वन, एन का वैल्यू फाइव माइनस वन, तो फाइव इंटू एक्स पर पावर फोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है वाई इक्वल टू एक्स पर पावर नाइन, इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन x पर पावर नाइन बाय डी एक्स, इसको n है जो नाइन, n का वैल्यू बता रहा है, n जो आपका नाइन है, n को बाहर, n का वैल्यू नाइन है, नाइन को बाहर करेंगे x पर पावर n माइनस वन, n का वैल्यू नाइन माइनस वन, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन, नाइन माइनस वन इक्वल टू एट, तो नाइन इंटू एक्स पर पावर एट, ये आपका आंसर हो जाए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन वाई इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन, ये फोर आपका कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन एक्स और पावर थ्री बाय डी एक्स, तो फोर को फोर हम बाहर रखेंगे, एक्स और पावर एन मतलब एक्स और पावर एन के जगह आपका थ्री है, तो आपका फॉर्मूला हम बता चुके एन इंटू एक्स और पावर एन माइनस वन होता है, तो n का वैल्यू आपका है थ्री, थ्री इंटू एक्स एन माइनस वन, एन का वैल्यू है थ्री, थ्री माइनस वन करेंगे तो आपका आंसर होगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू एक्स और पावर थ्री माइनस वन टू टू, ट्वेल्व इंटू एक्स और पावर टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर चार, वाई इक्वल टू सेवन एक्स और पावर क्यू दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम बाहर रखेंगे, कॉन्स्टेंट का वैल्यू सेवन को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन x और पावर q बाय डी एक्स, सेवन बाहर रह जाएगा x और पावर q, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा थ्री बाहर होगा x और पावर n माइनस वन, एन का वैल्यू है आपका थ्री माइनस वन, तो सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन इंटू एक्स और पावर थ्री माइनस वन टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उसी में कुछ एक्स्ट्रा है, वाई इक्वल टू डिफ सिक्स है, सिक्स को हम बाहर रखेंगे कांस्टेंट वैल्यू को, डिफ्रेंशिएशन एक्स और पावर स्क्वायर बाय डी एक्स, प्लस है प्लस का साइन देंगे, टू बाहर है कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन एक्स पर एक्स बाय डी एक्स, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें, सिक्स बाहर रहेगा, एक्स पावर टू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू इंटू एक्स पावर टू माइनस वन, तो वन प्लस टू कॉन्स्टेंट, टू को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन एक्स बाय डी एक्स, इसका वैल्यू होगा वन, तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस टू, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।